दोस्तों कहने के लिए तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड स्कोर कहलाया जाता है लेकिन अगर बैकग्राउंड म्यूजिक कॉम्पोजिशन बेहतरीन हो तो बैकग्राउंड से ये फोरग्राउंड में आ जाते हैं और हमारे आज के मेहमान जो हैं वो ऐसे ही मेहमान हैं जिनका बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतरीन रहा कि ही इज राइट इन द फोरग्राउंड हाल ही में रिलीज हुई पदमावत फिल्म की तारीफ हुई फिल्म के अन्य डिपार्टमेंट्स की तारीफ हुई बैकग्राउंड म्यूजिक की भी बहुत तारीफ हुई और इसलिए हमने आज इनको आमंत्रित किया है लेट्स वेलकम द बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर ऑफ पद्मावत एंड बाजीराव मस्तानी संचित बलहरा वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड में थैंक यू सो मच सर अब तो आदत सी पड़ गई <laughs> बाजीराव मस्तानी में इतनी काम की तारीफ हुई अब इसमें इतनी काम की तारीफ हुई संजय लीला भंसाली की फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देना एक्चुअली कोई भी डिपार्टमेंट में काम करना कोई आसान बात नहीं है बहुत टफ टास्क मास्टर होते होंगे सर इनफैक्ट मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ थोड़े कि वो परफेक्शन पे इतना ध्यान देते हैं कि हर आर्टिस्ट जो अपने ऑनेस्ट आर्ट को ले बाहर लेके आना चाहता है उनके लिए काम आसान हो जाता है थोड़ा जब वो ध्यान देते हैं सो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू डायरेक्टर यू कैन स्पीक टू हिम और संजय सर इतना हर चीज़ में उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि यू यू ऑलवेज़ गेट

dialogue her sequence so i was uh, i was frozen for a long time kyunki <laughs> bajirao करके अभी कुछ ज्यादा टाइम हुआ नहीं था uh, uh. और एक हिस्टोरिक मूवी और फिर से इट्स अबाउट हाउड आई कन्विंस हिम दैट आई विल एबल आई विल बी एबल टू डू समथिंग डिफरेंट व्हाट आई डिड इन बाजीराव सो दिस फर्स्ट 2 वीक्स आई कुड नॉट कॉम्बो देनथिंग फिर रैंडमली आई थिंक इट्स बाय गॉड पावर दैट समथिंग

कंपोज ढंग से नहीं करते हो सकता फिल्म आपकी नहीं होती जी बिल्कुल मेरे ख्याल से आर्ट आपके कंट्रोल में होती नहीं है इवन लाइक द एनीवन उनका भी हर कॉम्पोजिशन एक लेजेंडरी नहीं होता इट्स अ सब्जेक्टिव अप्रोच और कभी कभी वन कॉम्पोजिशन माइट बी लाइक बाय थाउजेंड्स बट उनमें से एक बोलेगा कि नहीं मुझे तो नहीं पसंद सो यू द राइट वे जब फिल्म तैयार हुई उसके बाद जब बैकग्राउंड म्यूजिक का काम शुरू हुआ कितने दिन लगे इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कंप्लीट करने में सर कंप्लीट तो संजय सर की पिक्चर होती है, है, है। एंड की डेट तक होती रहे बिकॉज यू नो देर इज ऑलवेज अ रूम टू ब्रिंग आउट परफेक्शन चाहे आप कितना भी कर लो चाहे पांच साल भी कर लो तो भी थोड़ा बहुत कुछ, तो आप... कुछ तो चेंज होकर और बेहतर हो सकता है जी सर तो आ... मेरा प्रोसेस तो राइट एज आई ए राइट आफ्टर बाजी ही स्टार्ट हो गया था एंड ही आस मी टू रीड द स्क्रिप्ट तो उसके बाद बिफोर आई गॉट द फुटेज और संजय सर के साथ क्या होता है ही इन्वॉल्व मी इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ द राइट फ्रॉम द टॉप अच्छा और जैसे yeah. उनका कुछ पर्सन शूट का खत्म होता है ही ब्रिंग्स मी ऑन बोर्ड वाई डोंट एक्सपेरिमेंटिंग एंड इट्स फॉर मी एज वेल सो दैट आई मी बी मिलता है आपको. बिल्कुल, sir, बिल्कुल. और बाय द एंड ऑफ लाइक वी आर

एक्टर्स से भी फर्क पड़ता है कि रणवीर सिंह अगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं होते कोई और होता तो शायद बैकग्राउंड म्यूजिक अलग होता या दैट है मेक अ डिफरेंस जैसे स्क्रिप्ट <laughs> के लेवल पर जब सर इन्वॉल्व करते हैं मुझे संजय सर जी तो मेरे दिमाग में एक तो उनका उनको मालूम होता है कि मेरा कौन एक्टर आएगा और वो क्या परफॉर्मेंस देगा तो उसी हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं <laughs> तो थोड़ा सा तो मुझे 90 परसेंट आइडिया हो जाता है कि हो सकता है इस तरीके बट व्हेन यू एक्चुअली सी समथिंग इट्स लाइक स्पेगेटी आप दीवार पे फेंकोगे चिपक गई तो चिपक गई नहीं

वैसे ऐसा नहीं होता सर सर के साथ में हम <laughs> तो कोशिश करते रहते हैं कितने आसपास पहुंच पाए <laughs> तो एक्चुअली डर भी बना रहता है हमेशा बिकॉज़ ही परफेक्शनिस्ट अगर मैं, बोलूंगा, this, this composer, him, First, मैं मुझे थोड़ा ज्यादा डर था डर एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा थोड़ा हेजिटेशन था बिफोर प्रेजेंटेशन की फीडबैक बट दिस टाइम See, there, were, there are always rejections. Mm. But I was taking it in a positive way. If he is telling something, it will be sensible. So instead of uh, being afraid, I was more excited about how would I get a feedback and what would make me improve after that. And he understands every artist so well. He he knows how to get the best of out, out of everyone. And he knows different ways to how to treat everybody. <laughs> He's such a, an amazing

Because of that music environment, mm -hmm. एक घर में माहौल रहता था। Though initially I wanted to become a tennis player and Achcha. that was my main uh, motive or uh, whatever you can say to, that was my main to, excitement. Tennis आप अच्छा खेलते हैं? Sir, I played at uh, entry level of international events. अरे वहाँ? और university level pe I won some gold medals. अरे? And wow. that's what I wanted to become. हाँ uh हाँ. -huh. But because Then... of an unfortunate incident in 2006 I uh, I tore my knee ligaments and I couldn't recover out of that. सो नाउ आई वुड कॉल इट अ फॉर्चुनेट इंसिडेंट आपको मुझे इस... आज <laughs> जो मैं कर रहा हूँ वो करने का मौका मिल गया <laughs> मतलब उससे पहले आपने सोचा भी नहीं था सर एक जनरल माहौल था घर पे बट ऐसा बट प्रोफेशनली professionally... प्रोफेशन uh... Uh, इस प्रोफेशन में जाऊंगा या आई एम सो find that injury a blessing <laughs> <laughs> तो फिर आप uh, ने ट्रेनिंग ली जी सर आई वेंट टू लंदन आई स्टडीड एट पॉइंट ब्लैंक कॉलेज ऑफ म्यूजिक अच्छा कितने सालों तक सर ऑन एंड ऑफ मेरा सम तीन से चार साल रहा है वहाँ पे मैं आई वेंट देयर एंड केम बैक आई आल्सो डिड माय क्लासिकल एजुकेशन फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन अच्छा एंड अलोंग विद दैट आई यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ

आई है some, some mm -hmm. आपने इंटर किया था ऐसे लोगों से दिग्गज लोगों से जी बिल्कुल करेक्ट और यू आर सम हाउ प्रिपेर फॉर दैट अमाउंट ऑफ स्ट्रगलो इट मे है टाइम इट टूक मी बट आई ट्राई टू

तो पेरेंट्स आल्सो स्टार्ट सीइंग दैट दैट्स व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई डोंट वी सपोर्ट देम सो अच्छा एंड यू कांट डू आई थिंक आई पर्सनली फील आई कुन्ट हैव डन एनीथिंग विदाउट देयर सपोर्ट द फैमिली इज द द मेन बैकिंग टू योर कॉन्फिडेंस बिल्कुल तो अंकित बलहरा अब इंडिपेंडेंट भी होने जा रहे हैं सर ही लिव्स इन कनाडा एंड ही इज अ सिंगर एंड एक्टर रीजिंग अ म्यूजिकल ओवर देयर तो बट यू नो लाइक एज़ अ ब्रदरली लव और जो म्यूजिक एनवायरनमेंट है आई थिंक विदाउट हिज सपोर्ट

Uh, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वापस एक नया टैलेंट मिलने को है बॉ, बॉलीवुड को या नहीं सर उस हिसाब से वी विल ऑलवेज बी वर्किंग टुगेदर एंड ही मे एज वेल कम बैक यस सर वो अभी भी ही वाज हियर फॉर अ मंथ एंड हम लोग ने स्क्रीनिंग भी साथ में देखा था सो so, <laughs> जी सर तो uh, संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के बाद ऐसे आपको लगता है कि अब और कोई फिल्मेकर की फिल्म करने में वो शायद मजा नहीं आए, because ये जो प्रोसेस है उनके साथ काम करने का। I have spoken to so many people who have collaborated with him, yes, they say it's an experience in itself and it's a completely different experience. Sir, there is no doubt about that what you said <laughs> and uh, I think uh, when you I personally consider he's the best filmmaker of India. Hmm. एंड वेन यू स्टार्ट यूर करियर मजे की बात सर कि और किसी के साथ मजा नहीं आएगा वो सेकेंडरी चीज है आप अपने आप में बिलीव करने लगते हैं कि इफ द बेस्ट ऑफ द द फील्ड हैज़ ट्रस्टेड योर वर्क तो बाकी सब में आप यू फील मोर कॉन्फिडेंट टू टॉक टू देम आप उनके अप्रोच लेने में

तो उनका उनके साथ डिस्कशन करने में बहुत मजा आता है सर दूसरी फिल्मों के लिए ट्राई नहीं किया या समय नहीं मिला सर पहली दो पिक्चरें बहुत इम्पोर्टेंट होती है <laughs> और मुझे सबसे ज्यादा मेरा वो था कि सर को ये नहीं लगना चाहिए कि कि ये तो कि ये तो जी, जी, तो तो अभी बाजीराव करके होने कोई ध्यान नहीं देता पे एनर्जी इन ओके इन ट्राइंग टू मेक पदमावती पदमावत साउंड डिफरेंट फ्रॉम्राई टू मेक पद्मावती वो तो पदमावत <laughs> बाद में होगी आपके और सबके काम के बाद <laughs> तो अब पदमावती बोलूंगा

वो टफेस्ट था एंड सम हाउ वो क्रैक होने के बाद एवरीथिंग स्टार्टेड इन प्लेस और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना कि ये इतना डिफिकल्ट और जो मुझे फर्स्ट टाइम बोला गया जी. मैं अगर ये करके और सही बैठ गया है जी. तो ऑटोमेटिकली अंदर से एक कॉन्फिडेंस जाग जाता है बिल्कुल सर और दूसरी चीज क्या होती है वंस सी आई ऑलवेज नो वट संजय सर इज थिंकिंग इज परफेक्ट फॉर हिज फिल्म बट इवन देन आई हैड जब ये पिक्चर बाहर आएगी और एंड मेर इज नो डायलॉगो फोर एंड अगर पसंद नहीं आया तो लोगों लोग क्या कितने बड़े स्केल की मूवी पे एक, क्या स्कोर <laughs> कर दिया तो एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर आपको भी डर रहता है जब तक पब्लिक वर्डिक नहीं आ जाता है बाहर डर नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली बट एप्रीहेंशन रहती है सर एंड सी नेगेटिव भी अगर कुछ आएगा तो मुझे समझने का उसमें मौका मिलेगा सर यू कॉन्ट सेटिस्फाई एवरी वन बट यू कैन ऑलवेज गेट मेच्योर आउट ऑफ योर फीडबैक और सर जब मैंने फर्स्ट नाइट hmm. आपका रिव्यू देखा तो आप जिस तरीके से यू आर दी ओनली पर्सन हु गिव्स ए रिव्यू अबाउट एवरी डिपार्टमेंट न फिल्म एंड इट्स फैंटास्टिक सर इस तरीके से

गाना सुपर हिट हो जाता है तो लोगों को म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिस्टर्स को लगता है वाह हमारे काम की तारीफ हो रही जी। आपके काम की तारीफ हो रही है या नहीं हो रही है आपको कैसे एहसास होता है सर अगर तो बाकी चीजों की बाकी सीन की तारीफ होगी है

म्यूजिशंस टूडे लाइक प्राइमरी इंटरेस्ट तो मोस्ट ऑफ हमारे इंडस्ट लोगों का होता है हीरो बनना you know? You know? <laughs> 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 फिर धीरे धीरे ड्रॉप डाउन करके आप म्यूजिशियंस पे भी आएंगे देर प्राइमरी इंटरेस्ट टू बिकम अ डायरेक्टर जी इफ यू लुक एट इन वेस्ट Uh, they call it music, whether you're scoring. Whether, whether you're it. scoring, yes. And there exactly. are so many people like uh, Danny Elfman, Hans Zimmer, in fact. Mm. They have come from a songs background to become Ooh. a score composer. Yes, yes. And in India, sometimes people see, ki, is that a stepping ladder? Like, do you want to become a score composer and then eventually music director? Become, huh. I say it's it's music. I'm already doing what I like. So even if it's song, whether it's score, it's music at the end of the day. <laughs> so in the days to come, probably will read your name as music composer and a big background music composer. Sir, you never sir. know. You never know, sir. चलिए संचित जी आपने बहुत बेहतरीन काम किया है. आपको भी मुबारक. आपके ब्रदर, एल्डर ब्रदर अंकित बल्हारा को भी मुबारक. Thank you so much, and, sir. And uh, yes, sir. थैंक यू सो मच तो दोस्तों ये थे संचित बलहारा इनके बैकग्राउंड स्कोर की बड़ी तारीफ हो रही है इन द फिल्म पद्मावत अगर आपने देखी है एक बार और देखिए जस्ट फॉर द बैकग्राउंड स्कोर बिकॉज कभी कभी क्या होता है यू मिस आउट ऑन सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स

दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एजुकेटिव एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव हाँ, कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू आसर बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ एव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबी छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलोज ऑन ट्विटर एट ईटी बॉलीवुड दिस इज कोमल नहाटा गुड बाय